दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं शिमला मिर्च के प्लॉट में हूं अपने, और ये जो देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये शिमला मिर्च है, और मैं इसके बारे में आपको कुछ खास जानकारियां ऐसे देने वाला हूं। तो पिछले वीडियो में इसकी सीडीट की बहुत सारी जानकारियाँ, दो चार वीडियो पड़े हैं मैंने आपको दी थी, और ये मैंने पहली बार लगाई है, बट मैंने बहुत सारी भ्रांतियाँ इसके बारे में सुन रखी थी। तो जो मुझे समझ में आया अब तक इसको देखकर, इसको लेके, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं या करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। मैंने ज़्यादातर लोग ऐसा देखा है कि इसमें कम से कम 25-30% लोग गांजे की दो चार चिलमे लगाने के बाद फिर वीडियो पर कमेंट करते हैं, और फिर मैं जवाब नहीं देता या मेरे पास टाइम नहीं होता, तो फिर लोगों को शिकायत होती है कि जवाब नहीं देते या उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चैनल की जो आईडी है और दो चार लोग खोल के रखते हैं, तो अगर आपका सवाल उनको अच्छा ही लगा तो वो भी किसी भी तरह के जवाब दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो। तो जब इसे पूरा देखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करिएगा, अगर आपका कमेंट सही है तो जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। बट अगर पूरा देखेंगे नहीं आप लोग, एक दो मिनट देखा, समझ में आया नहीं आया, बस सीधा आया और याग बलक जी महाराज जैसा ज्ञान पेल पाल के वो चल दिए। सच में जानकारी चाहिए अगर कुछ खेती में सीखना चाहते हैं, तो दिमाग लगाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देखते हैं नहीं देखते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है बताना, तो बस बता रहा हूँ, इसीलिए समझ लीजिएगा। ये मिर्च है, शिमला है, नॉन यू सीड की फिजा है, 8 दिन के लगभग हुआ इसका। इस समय आप जिस कंडीशन में देख रहे हैं, अब इसमें पौधे देखिए दो तीन तरह के आपको दिख रहे होंगे, तो ये एक एक चीज़ समझने लायक है। तो ये पौधा है, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, ये पौधा थोड़ा छोटा हुआ है। अब इसमें डिफरेंस है, ये लगाने में कुछ तो नर्सरी के पौधों में होता है, ये पौधा थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसको थोड़ा आधा सेंटीमीटर लगाने वाले ने थोड़ा नीचे लगाया, ये पौधा थोड़ा छोटा है क्योंकि इसको लगाने वाले ने आधा सेंटीमीटर ऊपर लगाया। तो जो इसकी ये पहली प्रथम जड़ें हैं ऊपर की जो होती हैं कोकोपेट की, वो सूखी, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेस में गया। उसके बाद जो नीचे की जड़ें इसकी नीचे गई, तो उसने पकड़ा, अब ये ग्रोथ कर रहा है। तब तक ये इतना भाग गया, अब अगर इसमें आप अंतर देखेंगे तो सीधे दोगुने का अंतर है। तो ये एक चीज़ होगी नोटिस करनी हो कि हमारे लगाने में भी बहुत सारा अंतर होता है। अब आप इसको देखेंगे, ये पौधा अभी चला, तो इसका कारण है कि इसको ऊपर से चिड़िया ने या सुंडी ने, जैसे यहाँ ये खरपतवार होता है, मैंने जब इसका ट्रांसप्लांट किया था तो इसमें बहुत सारा खरपतवार था, तो मैंने आज दवा डाली और कल ट्रांसप्लांट करवाया, तो इसका सारा कीड़ा जो था वो इस शिमला में आ गया था। तो उसने बहुत ज़्यादा उसने कटाई की, बाकी चिड़ियों ने कटाई की, कुछ कुत्ते और सियार वगैरह फार्म पे घूमते रहते हैं तो उनने उसको रौंदा वौंदा। शुरुआत में जो लोगों ने देखा उनको ऐसा लग रहा था कि ये खड़ी नहीं होगी, जैसे ये है, ये अभी मैंने मिट्टी लगा दी इसमें, तो यहाँ कुत्ते ने पैर रखा, ये मिर्च दब गई, उसके बाद ये जिंदाबाद है। अगर आप देखेंगे कि 20 दिन का पौधा है ये, और इसकी ग्रोथ आप देखेंगे पूरा 9 इंच का है ये ऐसे। अब इसको आप देखेंगे तो ये 4-5 इंच का है, ये भी 4-5 इंच का है, ये 8-9 इंच का है, ये 6-7 इंच का है, ये 4-5 इंच का है। बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। देखिए ये कंप्लीट है, पहले ऐसा लग रहा था कि इसको थ्रिप्स खा जाएगा, जैसे ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये जली हैं, सुखड़ी हैं, ये सब, ये जानते हैं ये क्या है, क्यों है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये इस घास का जो कीड़ा था वो इसमें ट्रांसफ़र हुआ, छोटा पौधा, उसने इसको खाया बाया। मैंने इसमें कोई ख़ास ज़्यादा दवा नहीं डाली है, मैं जैसे आपको स्पष्ट बता दूं, केवल ओनली मैं अभी तक इसमें 3 बार मैंने एमीडा क्लोरोपिट डाला है, उसके साथ हर बार मैंने इसमें सीवेट का उपयोग किया, एमीडा डाला, एमीडा के साथ सीवेट डाला, एक बार मैंने इसमें एमस्टार डाला, 2 बार डाला, शुरुआत के 2 स्प्रे मैंने एमस्टार के किए 4-4 दिन के अंतराल पर एमीडा के साथ, और उसके बाद मैंने फिर 2 स्प्रे सीवेट के डाले, तो उसमें मैं 4 स्प्रे कर चुका हूँ। तो एक ये इसकी कहानी होगी। अब जो बहुत सारी भ्रांतियाँ जिनकी मैं चर्चा कर रहा था कि जो लोगों के दिमाग में, जैसे आप इस तरफ देखेंगे तो ये 9 इंच का है और ये 1 फिट का पौधा है,
अब इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जैसे आप देखेंगे कि इस तरफ है, जैसे इस तरफ आ जाओ तो मैं आपको इस तरफ कैसे दिखा दूँ कि देखिए ये यहाँ कुत्ते ने इसमें पैर रखा तो ये इसका जगह खाली हो गया। ये सारी प्रॉब्लम है ये गड्ढे वड्ढे। अब ये वही है पुराना वाला पत्ता है ये जो कीड़े ने खाया था, उसके बाद देखिए ये फ्रेश निकल रहा है। इस समय ये फूल पे आ गई, ये एक और बड़ी समस्या है। केवल 20 दिन के अंदर इसने ये फूल देना शुरू कर दिया। इसकी स्प्राउटिंग देखेंगे तो एकदम गजब है, कोई डोज डरी नहीं, अभी इसमें कोई खाद नहीं डली है। अब चूंकि एक तो मेरे पास अभी समय नहीं है, हालांकि ये डोज की कंडीशन पे है, पर एक आध चीज़ मैं और आपको इसमें नोटिस करा दूं कि अगर आप इस बेड को गौर से देखेंगे, ऐसे ऊपर से दिखा तो यहाँ देखेंगे ये बेड यहाँ से यहाँ, ये बेड बिल्कुल प्लेन नहीं है। उस समय जब मैं इसको बना रहा था तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो मल्चिंग उड़े ना, इसलिए तेज़ी से मैंने ट्रैक्टर चलवाया इसमें। तो ये बेड देखेंगे आप ऐसे एक्कर हो गए, इसका ऐसा एंगल बना, तो यहाँ ऊंचा है और यहाँ ये नीचा है। तो इसके डिस्टरबेंस में आप देखेंगे कि जैसे ये पौधा जो है, इसको आप देखेंगे तो ये 8 इंच का है, ठीक है। और आप इसको देखेंगे तो ये पूरा 1 फुट का है, ये 8 इंच का है लगभग। ये दबने की वजह से है, जैसे ऊंचा लगा ये नीचा लगा। इस साइड का पूरा पौधा आप वहाँ से ऐसे निकालो, लंबे आप देखेंगे तो ये पूरा 8 इंच 9 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच का है। और इस साइड का ये पूरा पौधा है, ये उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे इसको ऐसे दिखाओ कि दोनों लाइन है, ये ऐसे क्लियर से दिखाई दिख रही है। ये छोटा पौधा है और ये बड़ा पौधा है, एक ही बेड पर लगा है। इसका अंतर क्या है, ये इसका बेड इस साइड ऊँचा है, कम से कम इसमें 3 इंच का फर्क है। ये 3 इंच ऊंचा है और ये 3 इंच नीचा है, ठीक है। साथ ही अब इसमें बेड दबा है तो यहाँ इसको पानी ज़्यादा लगा, उसको पानी कम लगा। ओवर नमी की वजह से इसने ग्रोथ कम किया, इसने नॉर्मल नमी की वजह से ग्रोथ अच्छा किया। छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ होती हैं। शिमला मिर्च की जो बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ कि ये बहुत कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा बीमार होती है, ये होता है वो होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा खूबसूरत पौधा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा हेल्दी है। इसमें जो एक समस्या है वो सबसे बड़ी ये है कि ये हवा सहन नहीं करती है। अभी एक दिन ज़्यादा हवा चली तो इसमें बहुत सारे पौधे टूटे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे पौधे चिड़ियों ने काटे हैं, तो इसमें काफ़ी आप ऐसे खाली देखेंगे दो बहुत सारे गड़ुए, लगभग 200-400 पौधे इसमें खाली हैं। तो वो कटे हैं, छोटे छोटे हैं, स्प्राउटिंग देखे जिंदा हो जाएंगे और फर्क भी नहीं पड़ता 2-4% पौधों में। तो ये एक समस्या है। अब अगर ये इसमें तेज हवा चल गई इस समय तो ये टूट जाएगी, इसका पक्का है। तो जैसा मैं सोच रहा था कि ये मैं इसको बिना बंधाई के इससे उत्पादन ले लूँगा, तो ये पक्का है कि ये शिमला मिर्च अगर आप करना चाहते हैं और इन दिनों कर रहे हैं, और अगर आपके यहाँ मेरे जैसी हवा चल रही है, मेरे यहाँ यहाँ मई जून में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो ये खड़ा नहीं रहेगा पौधा, ये 100% टूट जाएगा। और इसके लिए बंधाई होना ज़रूरी है, भले ही आप एक बार ऐसे सिंगल तार बांस लगाएं और एक रस्सी से बांध दें तो ज़्यादा हिले, वरना ये टूट जाएगा। बहुत सारे पौधे टूटे हैं उस समय, मैंने देखे थे। अभी तो सुबह का मौसम है तो ये ठंडी की वजह से खड़े हैं, पर ये शाम के टाइम हिलते हिलते टूट जाएंगे। मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, लेबर की प्रॉब्लम है, इस समय गेहूँ की कटाई वटाई चालू हो गई है, तो मैं इसकी बनाई इस समय कम से कम 20 दिन तक तो नहीं कर पा रहा। और अगर इस 20 दिन के दौरान अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, कोई ऐसी प्राकृतिक समस्या आती है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्लॉट 50-60% ख़राब हो जाएगा। और अगर नहीं आती है फिर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं इसको बंधवा दूँगा, उसकी कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम है तो मैं अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा देने वाला, बहुत ज़्यादा मैंने इसकी केयर नहीं की। अब बात कर लेते हैं डोज की। लोगों के दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं डोज को लेकर। तो जो लोग हेलीकॉप्टर डोज डाल रहे हैं, जो बनी बनाई ले रहे हैं या अपने यहाँ बना के डाल रहे हैं, उसमें कई चीज़ें मिसिंग करते हैं। एक बार फिर मैं इसको बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने की हैं। अभी मैंने इसको नहीं डाला है, क्योंकि ना डालने का एक कारण मैं आपको बता दूं। आप यहाँ देख लीजिए, जैसे ये पौधा जो है
ये डोज के डालने लायक है, इस पर डोज डल जाएगी, इस पर डोज डल जाएगी। बट अभी वैसे मैंने बताया था कि ये इसको कीड़े ने काटा था, कीड़े ने काटा या सफ़ेद गटार ने काटा या चिड़िया ने काटा, तो ये पौधा अब नई स्प्राउटिंग दे रहा है, चालू हुआ है, तो ये डोज सहन कर लेगा, लेकिन ये डोज सहन नहीं करेगा। यद्यपि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इसको ऐसे डलवा देता इसको छुड़वा के इसमें, बट जब तक ये बड़ा इतना हो जाए कोई फर्क नहीं है, पर इसको छोटा नहीं रहना चाहिए, कम से कम इसको इस कंडीशन में आ जाना चाहिए। ये वाला पौधा जब इस कंडीशन में आया है तब इसमें डोज डालिए, भले ही 20, 25, 30 दिन, 40 दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, यहाँ नमी को देखिएगा, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये यहाँ गीला है, बिल्कुल गीला है, ये यहाँ पे यहाँ गीला है और ये यहाँ भी गीला है। अगर आपको डोज डालनी है तो आज ही इस कंडीशन में, जब यहाँ गीला हो, इस कंडीशन में आज ही डोज डालेंगे, आज ही इसमें पानी डालेंगे। दिन में डोज डाला, शाम को तुरंत इसमें पानी दिया। अगर पानी की जरा सी भी कमी हो गई तो डोज फायदे की जगह नुकसान कर जाती है, क्योंकि इस समय पौधा वैसे भी टेम्परेचर की वजह, जितना ही टेम्परेचर होता है उतना ही पानी उठाता है, और डोज डालेंगे तो ये दुगनी मात्रा में पानी उठाएगा। जब पानी उठाएगा तभी तो पौधा ग्रोथ करेगा ना। वैसे देखने में ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कोई खाद वाद नहीं दी गई है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ पे है। और एक चीज़ साथ ही और मैं आपको बता दूँ कि जो पौधा इस समय ज़्यादा ग्रोथ पे है वो बाद में जल्दी बोलने वाला है, जो अभी स्लो चल रहा है वो देर तक चलेगा। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, किसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, कि जो शुरुआत में अच्छा होता है वो बाद में जल्दी बोल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, डोज हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा नहीं डालनी है, पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में आप बहुत कम मात्रा में डालिए, पानी की मात्रा ज़्यादा रखिए, घोल को पतला रखिए। पर पौधे जैसे मैं इसमें बता दूं कि मैं आपको जब इसमें पहली डोज डालूं, कुल 2 ही डोज डालनी है मुझे, तीसरी बार में इसमें डोज डालूंगा नहीं, आखिरी तक तोड़ाई हो जाएगी इसकी, पूरा काम ख़त्म हो जाएगा 2 ही बार में। और कम से कम 30 दिन का पौधा नहीं होगा तब तक मैं इसमें डोज नहीं डालूंगा, क्योंकि इसमें भोजन की ज़रूरत अभी इसको है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। इसमें पहली बार जो डोज डलेगी वो केवल 1.5 ग्राम पर पौधा होगी, 1 से 1.5 ग्राम पर पौधा, बनी बनाई हेलीकॉप्टर डोज डालने वाला हूँ। 0.5 ग्राम पर पौधा के हिसाब से हूँ मैं केसर डालने वाला हूँ, 1 ग्राम पर पौधा DAP, थोड़ा सा अमीनो एसिड, थोड़ा सा फॉलवेक एसिड मिला के, थोड़ा सा सल्फर मिला के, 0.5 ग्राम सल्फर करके, और 200 ml पानी में घोल के ऐसे डालने वाला हूँ। अब अगर बात, क्योंकि अब लोग कहते हैं एकड़ में कितना डाले, तो देखिए ये है, ये लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा एरिया है मुझे ऐसा लगता है। इसमें ये 6,000 पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए, तो पर पौधे के हिसाब से गलत मुझे ज़्यादा समझ में आता है। मेरे फॉल प्लॉट में जितना भी पौधा होता है वो गिना हुआ होता है, तो उसी हिसाब से सही रहता है। 1 एकड़ में मैं आपको बता दूंगा, किसी ने 1 एकड़ में 8,000 पौधे लगा रखे, किसी ने 15,000 लगा रखे, किसी ने 5,000 पौधे, किसी ने 2,000 पौधे, अगर किसी ने कम लगा रखा है और वो उसी हिसाब से डाल देगा तो पौधे में ज़्यादा ओवर हो जाएगी, वो नुकसान करेगा। तो आपने 1 एकड़ में लगभग कितने पौधे लगाए हैं उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करिएगा। ऐसे नहीं कि 1 एकड़ में 1,000 पौधे लगे हैं और आप 10 किलो डोज डाल देंगे तो वो सारे के सारे फिर मर जाएंगे, क्योंकि एक पौधे के लिए 10 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कम मात्रा में डालिए उसको, 2 बार में डालिए, 3 बार में डालिए, और डालने के 10 दिन तक उसको बढ़िया से देखिए। पहले पूरे में अप्लाई मत करिएगा यार, 10-25 पौधे में डालिएगा, उसकी सिंचाई करिएगा, जैसे पहली चीज देख लीजिएगा, जैसे डोज डालनी है ये मत सोचिएगा कि आज ही डाल दो, आज केवल 10-20 पौधों में डालो, सिंचाई कर दो। जब आप सिंचाई करने वाले हो उसके पहले डोज डालो, सिंचाई कर दो, उसके बाद उसको देखो। ये मत टेंशन लेना कि लेट हो रहा हूँ, आप 40 दिन में भी अगर पौधे में एक बार डोज डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, वो पूरा बैक आपका जितना आप लेट हो गए हैं वो कवर कर देगा। और ये देखने के लिए आप थोड़ा सा कैमरा वहाँ घुमा दो, वो भाई मेरी मिर्चा देख लो आप, शायद बड़ी वाली यहीं से दिख रही होगी, वो पतली वाली है, और आप यकीन नहीं करेंगे, उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा मैं, हो सकता है टाइम मिले तो अगला। वो नवंबर में मैंने उसमें केवल 1 बार डोज डाली थी, वो भी नवंबर में, और नवंबर से लेके अभी तक मैंने उसमें कोई दवा नहीं डाली, खाद नहीं डाली, केवल पानी के अलावा कुछ दिया नहीं।
तो ये चीज़ें दिमाग से परे होती हैं, लोगों की सोच समझ में नहीं आएंगी, आदमी उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। और ये मिर्च भी बहुत बेहतर है, अगर अभी टाइम मिला, अगर मैं इसकी बनाई करवा पाया, मुझे समय मिल गया, परिस्थितियाँ अच्छा साथ दे गई, प्रकृति देखिए, इससे प्रकृति से तो मैं नहीं लड़ सकता, पर अगर आंधी वाधी नहीं आई, अगर मैं इसकी बनाई करवा गया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बिना उसके टेंट बेंट बिना पंडाल के, और ये पॉली हाउस और ग्रीन हाउस से डेढ़ गुना उत्पादन कैसे ज़्यादा देगी, इसकी मेरी गारंटी है। बस यही है कि इस बनाई तक पहुंच जाए, ये बड़ी बात है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको दी, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, व्यस्त ज़्यादा रहता हूँ, बहुत सारे काम मेरे पास हैं, केवल ये यूट्यूब भी एक बड़ी समस्या आई है मेरे लिए, तो जैसे जब टाइम मिलता है दे देता हूँ। आपको क्या समझ में आता है, मैं जो बताऊँ वो कम, आप जो दिमाग लगाएं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पौधे के साथ रहिए, समझते रहिए और खुद सीखिए, दूसरे के सिखाने से कुछ नहीं होता, एक आइडिया लिया जाता है, बाकी काम खुद किया जाता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो समझते रहिए, देखते रहिए और कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।